नमस्कार दोस्तों, 9 जुलाई 2022 आज के मुख्य समाचार। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 10 लोगों की मौत, राहत कार्य जारी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन, भाषण के दौरान मारी गई थी गोली। शिंजो आबे को गोली मारने वाले संदिग्ध के घर से बरामद हुए विस्फोटक। बैंक खातों पर लगी रोक हटवाने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची चीन के मोबाइल कंपनी वीवो। शिवसेना ने धनुष बाण कोई नहीं छीन सकता, उद्धव ठाकरे। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। सत्येन जैन की पत्नी पूनम जैन को प्रवर्तन निदेशालय का समन, 14 जुलाई को पेश होने को कहा। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा संग बादलों का डेरा, बारिश के आसार, आईएमडी का ताजा पूर्वानुमान, इन राज्यों में 5 दिन तक वर्षा। इंडिया वेदर रिपोर्ट टुडे, आईएमडी के अनुसार अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रेस्क्यू कार्य में एयरफोर्स के जवानों ने झोंकी ताकत, अब तक बचाई कई लोगों की जान, श्रद्धालु कर रहे सलाम, अमरनाथ क्लाउड बस्ट। बीएसएफ एमआई 17 हेलीकॉप्टर को आगे के इलाज या शवों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए नीलगढ़ हेलीपैड बालटाल से बीएसएफ कैंप श्रीनगर तक कार्रवाई में लगाया गया। आईटीबीपी की टीमें अमरनाथ गुफा के पास लापता की तलाश कर रही, तलाशी अभियान जोरों पर है। आंखों के आगे लोग पानी में बहते जा रहे थे, अमरनाथ गुफा से सुरक्षित लौटे श्रद्धालुओं ने सुनाए अपने दर्दनाक अनुभव। महाराष्ट्र के रहने वाले श्रद्धालु सुमित ने कहा, बादल फटने से आई बाढ़ बड़ी संख्या में पत्थर अपने साथ लाई थी, हम बादल फटने वाली जगह से 2 किलोमीटर दूर थे। एलएसी के बिल्कुल करीब आ गया था चीन का फाइटर जेट, भारत ने दी प्रतिक्रिया। यह घटना जून के आखिरी हफ्ते में एक दिन सुबह 4 बजे की है। यह एयरक्राफ्ट एलएसी के करीबी सीमा में उड़ रहा था तो इसे जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने भी देखा और इसे सीमा क्षेत्र में तैनात किए गए स्वदेशी रडार पर भी दर्ज किया गया। कोरोना वायरस अपडेट में भारत में कोविड-19 के 18,840 नए केस, 43 मरीजों की मौत। देश में मौजूदा रिकवरी रेट 98.51%, दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.14% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.09% है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर के ऑल्ट न्यूज़ को विदेशी चंदा मिलने पर पेमेंट फर्म रेजर पे ने क्या कहा। रेजर पे ने यह संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO हर्षिल माथुर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनके भुगतान मंच ने ऑल्ट न्यूज़ मामले में जांच के दायरे वाले सिर्फ खास आंकड़े ही जांच अधिकारियों के साथ साझा किए हैं। अमरनाथ यात्रियों पर कई बार बरपा है कुदरत का कहर, 1968 में 100 लोगों की हुई थी मौत। कल शाम अचानक आई बाढ़ के कारण गुफा के पास फंसे अधिकांश यात्रियों को पंजतरणी शिफ्ट कर दिया गया है। रेस्क्यू तड़के 3:30 बजे तक जारी रहा, कोई भी यात्री ट्रैक पर नहीं बचा है। नुपुर शर्मा की जीप काटने पर 2 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा करने की आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने बताया, इनाम घोषित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गुरुवार को सालहेड़ी निवासी आरोपी इरशाद प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया। संसद के मानसून सत्र में भी होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन, वेंकैया नायडू। शुक्रवार को ही देश में कोरोना के 18,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इस अंदाजा है कि लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसलिए पिछले कुछ सत्र में लागू किए गए कोविड प्रतिबंध संसद के आगामी मानसून सत्र में भी जारी रहेंगे। बचाव अभियान जारी है, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने अमरनाथ हादसे पर जताया दुख, हर मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बलों और जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया है कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से प्रभावित लोगों को बचाने का कार्य तेजी से किया जाए। देश में सत्य बोलना बहुत खतरनाक हो गया है, एनडीटीवी से बोले जुबेर के वकील कॉलिन गोंसाल्विस। गोंसाल्विस ने कहा कि हम कहते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन देश में सत्य बोलना बहुत खतरनाक हो गया है। आज जरूरी है कि तमाम लोग जो लोकतंत्र को मानते हैं, उन्हें चाहिए कि सच बोलें और सरकार से डरे नहीं। क्या देश में तिरंगे को लेकर बदले जाएंगे नियम? कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया ध्वज कोड बदलने की कोशिश का आरोप। अजय कुमार ने कहा कि भाजपा ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर घर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा लगाने के लिए पॉलिस्टर का तिरंगा लगाया जाए और ध्वज कोड को बदला जाए।
देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश के कारण धान की बुवाई 24% और तिलहन की 20% घटी। फसल वर्ष हार्वेस्ट ईयर 2021-22 जुलाई जून की समान अवधि में 95 लाख हेक्टेयर में धान और 87 लाख हेक्टेयर में तिलहन ऑयल सीड्स बोया गया था। चालू खरीफ सीजन में 8 जुलाई तक दालों का रकबा 1% बढ़कर 46.55 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 46.10 लाख हेक्टेयर था। पार्टी चिन्ह को छोड़कर पहले उद्धव जी को अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए, दीपक केसरकर बोले। चुनाव चिन्ह को लेकर केसरकर ने कहा कि पहले जो सरकार होती है वो लोगों का काम करने के लिए होती है, अभी कोई चुनाव नहीं है इसलिए चिन्ह के बारे में क्या बात करना। मणिपुर में ताजा भूस्खलन में एक महिला की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। असम के नौनी जिले के तुपुल में 30 जून को हुए विनाशकारी भूस्खलन लैंडस्लाइड के बाद प्रादेशिक सेना के जवानों सहित 12 लोग अभी भी लापता हैं। असम में भूस्खलन के बाद अब तक 49 लोग मारे जा चुके हैं। तमिलनाडु में छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 7 पढ़ने वाले 3 छात्रों को पकड़ा, वीडियो भी किया था शेयर पुलिस। यह जानने पर कि वीडियो शेयर किया जा रहा है, लड़की ने अपनी मां को सब कुछ बताया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपियों को बलात्कार के रूप में पकड़ा है। धन्यवाद फॉर ब्रेकिंग न्यूज़ MB सिविल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल MB सिविल। थैंक यू।